आज 30 में से सिर्फ 14 दावेदारों को गोल्डन माइक्स मिलेंगे, जिसमें से एक पापा शिवम ऑलरेडी जीत चुके हैं। इससे बाहर टेंशन है कि अब 29 लोगों के लिए रह गए सिर्फ 13 गोल्डन माइक्स। काफी घबराहट हो रही है कि नेक्स्ट गोल्डन माइक किसे मिलने वाला है और मुझे गोल्डन माइक मिलेगा कि नहीं। डर तो लग ही रहा है, एक एक करके वो घटता जाएगा। मुझे अच्छे से गाना है एंड वो गोल्डन माइक मुझे भी चाहिए। बहुत डर लग रहा है क्योंकि अभी तक मेरा परफॉर्मेंस नहीं आया है और मैं गाऊंगी, कैसे गाऊंगी, कैसा होगा, मुझे सच में बहुत नर्वसनेस फील हो रही है। गोल्डन माइक पाने की फिक्र ने बाहर सबका चैन उड़ा रखा है। ऐसे में क्या अयोध्या से आए ऋषि सिंह जजेस के सामने बेफिक्र होकर परफॉर्म कर पाएंगे? मैं बचपन से अयोध्या में रहा हूँ और इस जगह से इतना लगाव है मुझको क्योंकि बचपन यहाँ के भजन कीर्तन और साधु संत के बीच में ही बीता है। तो यहाँ पे ना हर एक गली मोहल्ला, छोटे हो चाहे बड़ा मोहल्ला हो, बड़े लोग हों चाहे छोटे लोग हों, यहाँ पे हर जगह बस राम नाम और यही लोग जपते रहते हैं और बस इसी का नाम पे ही मतलब उनके जीवन अपना व्यतीत करते हैं और कुछ नहीं। तो जैसे ये मेरा छोटा सा शहर अयोध्या है ना, ये दुनिया भर में हर जगह लोग जानते हैं अयोध्या के बारे में, इतना लोग जानते हैं। तो वैसे भी मेरे भी सपने इतने बड़े हैं कि मैं, अगर मुझको मौका मिले, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिले, तो मैं अपने आप को इस शहर की तरह इतना मतलब बड़ा करना चाहूँगा, इतना अच्छा करना चाहूँगा कि लोग मुझे भी जाने। राम राम सर। राम राम मैम। राम राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ऋषि, अयोध्या की पावन भूमि से तुम यहाँ सीधा इंडियन आइडल में आए और सुपरस्टार बन गए। तुम्हारी एक अलग लेवल की पॉपुलैरिटी हो चुकी है। आज जब थिएटर राउंड में लोग तुम्हें देख रहे हैं तो वो इस उम्मीद के साथ देख रहे हैं जैसे एक सुपरस्टार की फिल्म या सुपरस्टार का गाना सुनने वो आते हैं। तो वो लेवल की एक्सपेक्टेशन है बिकॉज तुम्हारी टोनल क्वालिटी ने जो झंडे गाड़े हैं ऑडिशन राउंड में, उसकी मिसाल हमेशा हिस्ट्री ऑफ म्यूजिकल शोज में दी जाएगी। थैंक यू सो मच। ऋषि, मुझे एक बात बताइए। जी मैम। आपने जाकर गोल्डन माइक मंदिर में चढ़ाया कि नहीं? मैम, बहुत बड़ी बात है पहली बात मेरे लिए कि गोल्डन माइक मिला, और गोल्डन माइक लेके गया तो चढ़ा के उनके सामने रख के मैंने उनकी प्रार्थना की, तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। सबसे बड़े भगवान जो होते हैं वो तो हमारे घर में हमारे माता पिता होते हैं, राइट? मम्मी पापा आपके खुश हैं? जी मैम, बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुश हैं। इनफैक्ट मेरी मम्मी अभी आई हुई हैं। अच्छा। टाइम पे मुझे मेरा परफॉर्मेंस देखने के लिए, तो मुझे बहुत खुशी हो रही क्योंकि मैं कभी अपने मम्मी या पापा के सामने कभी ज़्यादा गाया नहीं। मम्मी का बहुत मन था कि इतने बड़े स्टेज पे आके मुझको लाइव गाते हुए सुने, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि वो आई हैं देखने। वाओ। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं आप? हम ठीक हैं। ठीक हैं आप? कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी, इतने बड़े स्टेज पे बेटा ले आया, बहुत खुशी की बात है। वाह वाह वाह। मुझे लगता है सारे अयोध्या वासियों के लिए भी बहुत ही खुशी की बात होगी। जी जी, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, आइए आप लोग भी दर्शन करने। जी बिल्कुल जी, सौभाग्य होगा हमारा। जी जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। All the best, Rishi. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न
मन की अमावस्या और तू फुलझड़ियों वाले त्योहारों जैसी सदियों से भी लंबी है मन की अमावस्या और तू फुलझड़ियों वाले त्योहारों जैसी चंदा भी एक मिनट पहले मेरे हाथ को पिंच मी ओ माय गॉड मैं सपना नहीं देख रहा हूं बिकॉज इस लेवल का परफॉर्मेंस थिएटर राउंड में तो क्या बड़े से बड़े राउंड में नहीं हुआ तो ये जो तुमने परफॉर्म किया है सेकंड परफॉर्मेंस ये एक्चुअली तुम्हारे विनर बनने की शुरुआत करता है देखे हवा बन जाऊं मैं अगन यू नो ये सीधा ऊपर वाले का कोई ब्लेसिंग है तुम्हारी माता जी का आशीर्वाद है तुम्हारे पिताजी का आशीर्वाद है बिकॉज कैसे कोई बच्चा जिसने कहीं कुछ नहीं किया है वो सडनली अयोध्या से इंडियन आइडल के प्लेटफॉर्म पे आता है पहला परफॉर्मेंस सिक्सर सेकंड परफॉर्मेंस अगर सिक्सर से भी ज्यादा कुछ होता है वो है माता जी आप पहले मुझे आशीर्वाद दीजिए भाई आपके बच्चे को तो आपने कमाल आशीर्वाद दिया है क्या गा रहा है वो क्या बात है बहू ढूंढी आपने अभी मत ढूंढिएगा अभी बहुत अच्छी बहू मिलेगी आपको अरे लायक ये तो सुपर लायक हो चुका है अभी और क्या बचा क्या गाता है यार ओ माय गॉड नेहू मैं इतनी शॉक्ड हूँ इतनी प्राउड भी हूँ कि आप ये जो सॉन्ग है केसरिया इज रूलिंग यू नो एवरीवेयर इस गाने को इट्स सच अ मॉडर्न सिंगिंग वाला गाना यू नो गाया किसने है द अरिजीत सिंह ने राइट और उस गाने को अटेम्प्ट करना और उसमें रॉक करना ऋषि यू नेल्ड इट थैंक यू सो मच मैन थैंक यू सो मच गोल्डन माइक के हकदार हैं आप थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच नेहू क्या टैलेंट है यार ओ माय गॉड थिएटर राउंड आउटस्टैंडिंग हिस्टोरिक इंडियन आइडल जितनी पावन भूमि से ये आते हैं उतने ही पावन आवाज के किंग आज अपना ड्रीम डेब्यू करने आ रहे हैं ऋषि सिंह
यार आप इतने कम समय में इतने पॉपुलर हो गए हैं, पता है सोशल मीडिया पे आपके क्लिप्स वायरल हो गए हैं। कैसा लग रहा है आज ड्रीम डेब्यू पे अपना पहला परफॉर्मेंस देने वाले हैं? आदि भैया बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मतलब लोग इतना मुझे पसंद करेंगे और इतने छोटे से शहर से मैं इतना बड़ा सपना जो लेके इधर आया हूँ और इतनी बड़ी तरीके से पूरा होगा मुझे नहीं भरोसा था हमें, तो हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.